मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांगड़ा जिला के बैजनाथ पपरोला रेलवे स्टेशन से बैजनाथ पपरोला से पठानकोट के बीच नई एक्सप्रेस ट्रेन 52476 नंबर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने 1 दिसंबर 2018 को शिमला में एक बैठक के दौरान केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के साथ पठानकोट जोगिंद्रनगर और कालका शिमला रेल पटरियों पर गाड़ियों की गति बढ़ाने का मुद्दा उठाया था। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये एक्सप्रेस सेवा न केवल स्थानीय जनता की तेजी से आवाजाही में मदद करेगी बल्कि पर्यटकों को भी इस क्षेत्र में जाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। उन्होंने कहा कि अब एक्सप्रेस ट्रेन 5 घंटे 5 मिनट में बैजनाथ पपरोला से पठानकोट के बीच की दूरी तय करेगी, जबकि पहले ये दूरी लगभग 7.5 घंटे में पूरी होती थी। उन्होंने कहा कि इस ट्रेन की यात्रा और अधिक आकर्षक और सुखद होगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि यह रेलवे ट्रैक 1929 में अस्तित्व में आया था और लगभग 90 वर्ष के बाद पठानकोट और बैजनाथ के बीच का समय लगभग 2.5 घंटे कम हुआ है। उन्होंने कहा कि इस ट्रैक पर बड़ी रेल की पटरी को चलाने के प्रयास किए जाएंगे और ट्रैक के उन्नयन के लिए रेलवे मंत्री से भी बात की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि फिरोजपुर रेलवे मंडल ने 4 कोच एक्सप्रेस ट्रेन बनाई है, जिसमें 1 प्रथम श्रेणी के चेयर कार, 2 सामान्य कोच और 1 सामान्य गार्ड वैन है। उन्होंने कहा कि इस ट्रेन का पालमपुर, नगरोटा, कांगड़ा और ज्वालामुखी मार्ग पर ठहराव होगा। जयराम ठाकुर ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए सभी प्रमुख स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा रेलवे स्टेशन को हेरिटेज लुक प्रदान करने के लिए परामर्श कार्य सौंपे गए हैं, जिसका 10 मार्च 2019 तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पालमपुर बैजनाथ के बीच बच्चों के लिए स्टीम रन पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पालमपुर स्थित हेरिटेज गैलरी को नया स्वरूप प्रदान करने व अन्य विभिन्न कार्य जैसे मुख्य स्टेशन को हेरिटेज वस्तुओं का प्रदर्शन, हेरिटेज प्रकाश स्तंभ, दीवार घड़ियां, बेंच आदि का प्रदर्शन रेलवे द्वारा अधिक से अधिक पर्यटकों और आम जनता को आकर्षित करेगा। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए कांगड़ा घाटी रेलवे की वेबसाइट भी जल्द शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने पपरोला होली मेले को जिला स्तरीय का दर्जा और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चढ़ियार को 50 बिस्तर वाला अस्पताल करने का दर्जा भी प्रदान किया। इस मौके पर मुल्कराज प्रेमी ने मुख्यमंत्री को अपने गृह क्षेत्र पहुंचने पर उनका स्वागत किया। इस एक्सप्रेस ट्रेन को क्षेत्र से हरी झंडी दिखाने के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। उन्होंने क्षेत्र की विभिन्न विकासात्मक मांगों को भी विस्तार से रखा। और मुझे आज इस बात की खुशी है कि ये ट्रेन जो है यहाँ 1929 में पहुंची, 164 किलोमीटर जोगिंद्रनगर पठानकोट की ट्रेन का हमारा ये ट्रैक जो बनकर तैयार हुआ, उस वक्त ये ट्रांसपोर्टेशन, उस वक्त यातायात के लिए बहुत बड़ा एक माध्यम बना था और प्रोजेक्ट के लिए बहुत आवश्यक भी था। लेकिन आज मुझे इस बात की खुशी है कि इतने सालों के 1929 के बाद 2019 90 साल के बाद जो है इस ट्रेन के इस सफर के बारे में सोचा गया कि ये 7.5 घंटे का नहीं होना चाहिए, ये 5 घंटे का होना चाहिए। और आज मुझे आपके बीच मुझे कहते हुए खुशी है कि आपका ये सफर जो है, जो पहले लगभग 7.5 घंटे का होता था, अब 5 घंटे 5 मिनट का होने जा रहा है। और मैं ऐसा महसूस करता हूं कि निश्चित रूप से इससे पर्यटन को बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय श्री जयराम ठाकुर जी,